तो दांडिया रास के पीछे इतिहास क्या है, कैसे समझ सकते हैं हम इन तत्वों को? तो देखिए, दांडिया रास इस जगत में हम देखते हैं एक प्रकार का नृत्य है, मनोरंजन लोगों ने बनाया है, और उस मनोरंजन के आधार पे उस पे हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अक्सर नवरात्रि में हम लोग इन उत्सवों को मनाते हैं। इसका स्रोत क्या है, कैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य किए और ये नृत्य क्यों किए? तो हम देख रहे हैं भगवान हर गोपी के साथ वहां पे मौजूद हैं। भगवान ने अपने रूप को इस प्रकार से विस्तारित किया है। अक्सर जब लोग इस लीला को देखते हैं तो अपने अपने मन धड़क तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे अच्छा तो है कि बाल गोपाल की ही सेवा करो, क्योंकि रासलीला के बाद चर्चा करेंगे तो इससे समाज में अनैतिकता या गलत प्रकार के विचार ऐसे फैल जाएंगे समाज में, कैसे भगवान श्री कृष्ण अनेक स्त्रियों के साथ नृत्य किए, उसमें से कहीं स्त्रियां दूसरों की पत्नियां थी, तो ये उचित नहीं है, इसलिए बाल गोपाल की सेवा ही अच्छी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो श्री कृष्ण रासलीला किए ये गीता बोलने वाले कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि हम उनके मुख से गीता सुन ही नहीं सकते जो इस प्रकार से अनेक स्त्रियों के साथ नृत्य किए, तो उनका कहना ये है। तो इस प्रकार से वो इस लीला को नकारते हैं, बोले हमें लीला सुननी ही नहीं है और वो कृष्ण व्यक्ति ही अलग है, क्योंकि ऐसे कृष्ण धर्म के बारे में क्या बोलेंगे जो सबसे बड़ी अधार्मिक काम कर रहे हैं, इस प्रकार से अनेक स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, ये धर्म के बारे में क्या ज्ञान देंगे? तो वो तो व्यक्ति ही अलग है। तो हम इस प्रकार से अपनी धारणा प्रस्तुत करते हैं इस दुनिया में। फिर हम देखते हैं कि असली राज क्या है, तो इसको हम कहीं 13 या 14 कारणों के द्वारा समझेंगे कि रासलीला को कैसे समझना है जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुई, ताकि हम इस प्रकार के अलग अलग विचार व्यक्त ना करें और जो कृष्ण गीता बोलते हैं वही श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, इस बात को समझने में थोड़ा भी हिचकिचाएं नहीं, इस लीला की पवित्रता को समझना चाहिए। पहला, देखिए जब छोटे बच्चे नाचते हैं तो नाचते हुए हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, तो हम लोग उसमें कोई शर्म नहीं मानते अगर लड़की लड़के साथ में नाच रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको तो शारीरिक भेदभाव के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति शारीरिक सुंदरता के आधार पे नहीं है या शारीरिक आकर्षण के आधार पे उनका खेल नहीं है, उनका खेल एक मासूम खेल है। तो अगर हम इस भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो श्री कृष्ण जब भी रासलीला किए तो केवल 8 साल के थे, ये उनकी लगभग आयु थी, तो उसमें कोई अनैतिकता या बोल नहीं सकते, कोई गलत बात नहीं बोल सकते कि छोटे बच्चे हैं नाच रहे हैं सब आपस में, उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर एक कॉमन मैन की दृष्टि से देखेंगे, भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये बात समझनी चाहिए हमको, ये पहला कारण है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, देखिए हमें जब भूख लगती है तो हमें कुछ खाना चाहिए, कोई बाहर से कुछ बना के हमें देता है और हमारी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती, कितने अनेक प्रकार के भोजन हमको चाहिए, सबकी डिमांड अलग है, सबका चॉइस अलग है, और हमेशा हम तड़पते रहते हैं कुछ वस्तु को इस प्रकार से अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए। उसी प्रकार से प्यास लगे तो पानी चाहिए, तो हमें अपने शरीर से बाहर कोई वस्तु भोजन या जल चाहिए। लेकिन और इसी प्रकार से अगर किसी को संतान चाहिए तो एक पुरुष स्त्री को विवाह करना पड़ता है, उनके संबंध से ही संतान प्राप्त हो सकती है, बिना इस प्रकार के संबंध से संतान प्राप्त नहीं हो सकती। तो क्योंकि हम लोग अपनी हर जरूरत के लिए किसी बाहर की वस्तु या व्यक्ति पे डिपेंड करते हैं, हमको लगता है भगवान भी असंतुष्ट हैं, और जब नृत्य करते हैं तो अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाहर से इतनी सारी कन्याओं का आयोजन करके उनके साथ नृत्य करते हैं, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि
जैसा हमारा स्वभाव है वैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम बोला गया है आप्त काम, जैसे आप देख रहे हैं सामने, आप्त काम, जो अपनी इच्छाओं में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, उनको किसी भार से किसी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो अगर श्री कृष्ण को संतान उत्पत्ति करनी है तो श्री कृष्ण के या विष्णु जी के शरीर से संतान वैसे उत्पत्ति नहीं होती जैसे साधारण पुरुष और स्त्री के संबंध से होती है। वो तो अपनी इच्छा से अपनी नाभि से ही ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी आगे पूरी सृष्टि की रचना अच्छे से करते हैं। तो श्री कृष्ण अपनी इच्छा से करते हैं, उन्हें किसी बाहर से किसी स्त्री की या किसी और वस्तु की जरूरत नहीं है, आप्त काम। एक दूसरा उदाहरण आता है आप्त काम का जो अपने सामने देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ही नर नारायण ऋषि के रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो बद्री का आश्रम में तपस्या करते समय जब बहुत गहरी तपस्या में लीन हो गए तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो चिंतित हो गए कहीं नर नारायण ऋषि तपस्या के बल पे उनका स्थान ना ग्रहण कर ले, उनका स्थान उनसे छिन ना जाए। तो ऐसा चिंता करते करते बोलते हैं इंद्र ने नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारी अप्सराओं को भेज दिया। बड़ी ही सुंदर सुंदर अप्सराएं थी और ऐसा नृत्य करने लगी, किसी के हृदय की वासना को उत्तेजित करने के लिए ये सबसे बढ़िया नृत्य अप्सराओं ने ऐसा किया कि कोई भी भ्रमित हो जाएगा। लेकिन नर नारायण ऋषि ऐसा भगवान इस रूप में ऐसे आत्मसंयमी थे, आप्त काम बोला है, जिनको बाहर की कोई वस्तु विचलित नहीं कर सकती, उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से अपनी जंघा से एक सुंदर अप्सरा को जन्म दे दिया जिनका नाम है उर्वशी, जो उरु उनकी जांघा से उत्पन्न हुई उर्वशी। और सभी अप्सराओं को, सभी कामदेव को, जो कामदेव स्वयं प्रकट हुए थे इंद्र के कहने पे नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए, नारायण ऋषि ने उन कामदेव को बोला जाओ इस अप्सरा को भी लेके जाओ और इंद्र को गिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण दिखा रहे हैं कि उनको बाहर की कोई सौंदर्य, कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती, उन्हें किसी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपने इंद्रियों की जरूरत पूरी करने के लिए, वो तो पूर्ण रूप से आत्मसंयमी आप्त कामी है, पूर्ण रूप से तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। तो ऐसे भगवान भला क्यों लाखों महिलाओं के साथ रासलीला करेंगे? कोई व्यक्ति इस प्रकार से अन्य महिलाओं के साथ नृत्य करने तब जाएगा जब उसके अंदर अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं उनका पूर्ण करने के लिए। लेकिन भगवान दिखा रहे हैं मेरे हृदय में तो कोई इच्छा नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे जाके, तो इसी प्रकार से भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान को हमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं है, भगवान को हमारी सेवाओं की भी जरूरत नहीं है। बल्कि बोलते हैं जब हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं तो हमारी सेवाएं किस प्रकार से होती है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को उनके जन्मदिन पे या किसी त्योहार पे कुछ गिफ्ट करता है तो पिता के पैसे से ही गिफ्ट करता है, पिता से ही धन लेता है और उसी धन से कुछ खरीद के बच्चा देता है। तो बच्चे के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ देने के लिए भी है वो पिता से ही लिया गया है। तो इस प्रकार से भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट जो आता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है यदुपति, जैसा आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है यदुपति। यदुपति मतलब यदु कुल के जो मेन लीडर हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, वो श्री कृष्ण हैं।
और हम देख चुके हैं यहाँ पे श्री कृष्ण का अपनी इंद्रियों पे संयम कैसे है, अपने शरीर से उर्वशी को प्रकट कर दिया। अभी बताते हैं श्री कृष्ण यदुपति हैं और श्री कृष्ण के भक्त कैसे हैं। जैसे यहां पे आप अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन उनके भक्त हैं। अभी हमें मालूम होना चाहिए जहां श्री कृष्ण इतने आत्मसंयमी हैं, उनके भक्त अर्जुन एक बार इंद्र लोक में गए और उर्वशी उनको देख के बहुत ही आकर्षित हो गई। तो वो उर्वशी जिनको देख के बड़े बड़े देवता भी विचलित हो जाएं, बड़े बड़े देवता भी आकर्षित हो जाएं, अर्जुन ऐसे आत्मसंयमी थे, उन्होंने उन उर्वशी को देख के प्रणाम किया और माता के रूप में उनको पुकारा, उनको माता का दर्जा दे दिया। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत चीज है। भगवान दिखा रहे हैं, देखो ना तो हमें इस जगत के कोई भौतिक सुख में रुचि है, ना हमारे भक्तों को किसी में रुचि है। तो ऐसे यदुपति हैं कि उनके परिवार के भक्तों को, उनके अर्जुन जैसे भक्तों को भी इस जगत के सौंदर्य में रुचि नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करने के लिए इतनी महिलाओं की जरूरत है? नहीं हो सकता। इसमें कोई अनैतिकता नहीं है, इसमें कोई उत्तम कारण है, आगे चल के हम देखेंगे। चौथा रीजन हम देखते हैं कि रासलीला का वर्णन किन्होंने किया। रासलीला जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, वो किनसे सुन रहे हैं? लोग रासलीला के बारे में बोल के उसमें गलतियां निकालते हैं, दोष निकालते हैं, लेकिन पहले हमें ये सुनना चाहिए कि ये ज्ञान मिला किससे। वो है सुखदेव गोस्वामी। सामने चित्र देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए सुखदेव गोस्वामी का चरित्र कैसा है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान परमहंस योगी हैं, ऐसे भक्त हैं। जब ही वो लगभग 16 साल की उनकी उम्र थी, बहुत ही युवा अवस्था में जब ही, तो बोलते हैं एक बार वो एक वन से गुजरते हुए जा रहे थे, तो कुछ कन्याएं वहां पे स्नान कर रही थी, कुछ कन्याएं नदी में स्नान कर रही थी, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सामने से जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के शरीर पे वस्त्र नहीं है और लगभग 16 साल की उम्र उनकी उम्र है। और कहा जाता है कि ये महिलाओं ने सुखदेव गोस्वामी को देख के, इनके इनको थोड़ी सी भी कुछ शर्म हो के इन्होंने अपने शरीर को ढक नहीं लिया। जब सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव वहां से जा रहे थे, तो व्यासदेव ने इन महिलाओं को पूछा कि आप बिल्कुल भी शर्माई नहीं, अपने शरीर को ढक नहीं दिया, कुछ लज्जा के कुछ लक्षण नहीं दिखे सुखदेव गोस्वामी को देख के, ऐसी क्या बात है? वो महिलाएं बोलती हैं कि सुखदेव गोस्वामी के भाव को, उनके स्वभाव को देख के हम ये कह सकती हैं कि वो शारीरिक चेतना से, देहात्म बुद्धि से बिल्कुल ऊपर है। देहात्म बुद्धि से प्रभावित नहीं होते, उनको कोई पुरुष स्त्री के शरीर में भेदभाव नहीं दिखता, वो तो सबको आत्मा के स्तर पे देखते हैं, उनको शारीरिक रूप से तो कोई आकर्षण ही नहीं है। देखिए इस जगत में कोई शारीरिक आकर्षण की के वर्णनों में आनंद लेता है जो खुद वासना से प्रभावित है, वही व्यक्ति आनंद लेगा। जिसको वासना का प्रभाव ही नहीं है, वो ऐसे वर्णनों में क्यों चर्चा करेगा, ऐसी बातों पे चर्चा ही क्यों करेगा? तो द वेरी फैक्ट कि सुखदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन बड़े विस्तार से कर रहे हैं और रासलीला को भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्तम लीला बोल रहे हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी के हृदय में थोड़ी सी भी वासना नहीं है, देहात्म बुद्धि नहीं है, देह आकर्षण नहीं है, इसका मतलब रासलीला कोई भौतिक स्तर का पुरुष स्त्री का नृत्य नहीं है, एक बहुत ही उत्तम लीला है। वक्ता को देख के हम समझ सकते हैं। और यही वक्ता का पॉइंट लेते हुए आगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखते हैं।
चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण स्वयं हैं, लेकिन भक्त रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जो कि बहुत बड़े विरक्त हुए, विरक्त संन्यास ले लिया 24 साल की उम्र में, 24 years took संन्यास, ऐसी विरक्ति है उनकी, उन्हें इस भौतिक जगत के किसी सुख में कोई रुचि नहीं है, जिनका संन्यास व्रत इतना स्ट्रॉन्ग था, स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे, वो चैतन्य महाप्रभु रासलीला को भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्तम भक्ति की लीला के रूप में पूजते हैं, ये दर्शाने के लिए कि श्री कृष्ण का जो गोपियों के साथ नृत्य है कोई भौतिक स्तर पे नहीं है, ये भक्ति का एक सर्वोत्तम आदान प्रदान है जो आध्यात्मिक स्तर पे चल रहा है, देहात्म आकर्षण पे नहीं चल रहा, देह आकर्षण पे नहीं चल रहा। तो इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु का इस लीला में इंटरेस्ट लेना इस बात को इंगित करता है। और साथ ही साथ जहां हम देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हैं, जहां हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हैं, और जहां हम देख रहे हैं षड गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए, देखिए ये छह गोस्वामी जिन्होंने पूर्ण वृंदावन की स्थापना करी, कहीं शास्त्र दिए भक्ति के, इनकी विरक्ति की महिमा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे इनमें से एक हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों में से एक हुए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह कर दिया, बोलते हैं इनके पिता के पास इतना धन था जैसा देवताओं के खजांची कुबेर के पास होता है, इतने धनी थे। और साथ ही साथ इनकी जो पत्नी थी, इनका विवाह किया, बोलते हैं इनकी पत्नी अप्सरा जैसा सौंदर्य था, इतना धन होते हुए ऐसा सौंदर्य आकर्षण घर पे होते हुए इनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बड़ी आसानी से सब कुछ छोड़ के विरक्त मार्ग की तरफ चले गए। तो ऐसे षड गोस्वामी जिनको इस जगत के धन में, सौंदर्य में, वासना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो श्री रासलीला का वर्णन करते हैं और अनेक शास्त्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उनकी गोपियों के साथ, द्वारका की रानियों के साथ जो अनेक लीलाएं हुई उनका वर्णन करते हैं। इससे हम समझेंगे श्री कृष्ण का जो माधुर्य रस है, गोपियों के साथ का आदान प्रदान, या फिर द्वारका में रानियों के साथ आदान प्रदान कोई भौतिक स्तर का पुरुष स्त्री का संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे संत उसका वर्णन कर रहे हैं। अभी हमने चार कारणों पर चर्चा किया, आइए पांचवें कारण पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर किसी स्थान पे चाय गिर जाए या कुछ भी गिर जाए, तो अगर उधर टेबल को साफ करना है आपको, तो हम एक कपड़ा जो चाय में भिगोया हुआ कपड़ा है वो लेके हम साफ नहीं करते। ऑलरेडी चाय गिरी है, ऊपर से हम चाय में भिगोया हुआ कपड़ा लेके साफ नहीं करते, हम साफ कपड़ा लेके साफ करते हैं, या तो पानी से धुला हुआ कपड़ा से लेके हम उस टेबल को, बर्तन को, उस स्थान को साफ करते हैं। उसी प्रकार से ऐसा कहा गया है जैसे हम एक साफ कपड़ा लेके उस टेबल को साफ करेंगे, उस स्थान को साफ करेंगे, हम लोग जब ध्यान मार्ग से, मेडिटेशन से अपनी बुद्धि को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, जब हम शुद्ध करते हैं, तो इस लीला को समझ पाते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण की रासलीला पे ध्यान लगा के हमारे हृदय के अंदर की सारी वासनाएं, भौतिक इच्छाएं सब नष्ट हो जाती हैं, हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। जैसे एक कथा आती है श्री कृष्ण की लीला में, जब श्री कृष्ण मथुरा आए तो एक कुब्जा नामक महिला श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई।
श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति ऐसा आकर्षण हो गया, उनके हृदय में बोलते हैं एक प्रकार का उनके शरीर को भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। लेकिन जब श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए और उनको स्पर्श किया, श्री कृष्ण के स्पर्श से मानो कुब्जा के हृदय में जन्मों जन्मों का जो वासना है, भौतिक इच्छाएं हैं, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और हृदय पूर्ण शुद्ध हो गया। इस जगत में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण क्या है? हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं और वासनाएं। जब वो समाप्त हो जाती हैं तो सारी पीड़ा वहीं खत्म हो जाती है। तो जिन श्री कृष्ण पे ध्यान लगा के, जिन श्री कृष्ण का नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहा गया है, चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण का नाम जप करके हमारी चेतना पूर्ण रूप से साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है और चेतना की सारी वासनाएं जो एक अग्नि के समान जल रही हैं वो सब शांत हो जाती है। अरे के जिनके नाम में इतनी शक्ति है, का क्या वो व्यक्ति काम वासना से दूषित हो सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति काम वासना से दूषित हो सकते हैं जिनके नाम में इतनी शक्ति है वो नाम हमें शुद्ध कर दे? नॉट पॉसिबल। तो जैसे हमने देखा कहीं पे चाय गिर गई है, उसको हम एक साफ चीज से उस एरिया को क्लीन करते हैं, एक अच्छे कपड़े से क्लीन करते हैं, उसी प्रकार से जिनके नाम जप करके हम अपने हृदय को साफ करते हैं, क्या उस व्यक्ति में गंदगी हो सकती है? नहीं हो सकती। पांच रीजन हो गए, आइए छठे कारण पे जाते हैं। छठा कारण क्या है? छठा कारण बोलते हैं कि सूरज के बारे में बताया गया है। सूरज के बारे में क्या बताया है कि देखिए सूरज में इतनी शक्ति है कि वो मल मूत्र को भी शुद्ध कर दे, उस गंदगी को भी प्यूरिफाई कर दे। तो कहीं पे मल मूत्र या गंदगी है तो सूरज की रोशनी पड़ने से वो साफ हो जाता है, लेकिन सूरज मैला नहीं होता। अगर सूरज ने उसको सुखा दिया, हम ये नहीं बोलते कि सूरज ही मैला हो गया, क्योंकि सूरज ने इस चीज को साफ किया है। क्योंकि अगर हम पिछला उदाहरण ले, एक कपड़े से हम किसी स्थान को साफ करते हैं तो वो कपड़ा ही गंदा हो जाता है, कपड़ा चाय को खींच लेता है और कपड़ा गंदा हो गया। लेकिन जब सूरज किसी चीज को शुद्ध करता है, सूरज गंदा नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, इसी तत्व को हम और गहराई से समझेंगे, इसी छठे सिक्स्थ पॉइंट को। देखिए जब भगवान खाते हैं, हम देखते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, उनके मित्र भगवान को अनेक पकवान खिलाते थे, हम भी खाते हैं तो हमें लगता है हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो भी एक मनुष्य की तरह खाते हैं, हम भी खाते हैं। फिर हम देखते हैं भगवान सोते हैं और हम भी सोते हैं, तो हमें लगता है क्या अंतर है, भगवान हमारे जैसे हैं। भगवान का परिवार है, उनके माता पिता हैं, उनका परिवार है, और साथ ही साथ हम देखते हैं हम भी परिवार बनाते हैं। भगवान अपने मित्र के लिए सारथी बनते हैं, हम भी अपने मित्रों के साथ अपनी गाड़ी में घूमते हैं, तो हमें लगता है क्या अंतर है, खाते भी हैं, सोते भी हैं, परिवार भी बनाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुनम, अनेक हम भी करते हैं वो भी करते हैं। तो या तो निष्कर्ष निकलता है मैं भगवान हूं, आइदर आई एम गॉड, और अगला निष्कर्ष निकलता है या तो भगवान मेरे समान एक साधारण व्यक्ति हैं, ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है, या तो मैं भगवान हूं या भगवान साधारण है, ये गलती हम कर सकते हैं।
लेकिन हमें जानना है कि भगवान ये सब लीलाएं करते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, परिवार भी बनाते हैं, नृत्य भी करते हैं, इस प्रकार से अर्जुन का सारथी बनते हैं, लेकिन भगवान उस सूरज के समान है जो स्वयं प्रभावित नहीं होते। सूरज अपने तेज से, अपनी गर्मी से कहीं स्थानों को शुद्ध करता है, लेकिन सूरज मैला नहीं होता। जब हम परिवार बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो हम उन सब कार्यों से प्रभावित होते हैं। ज्यादा भोजन खा लिया, पेट खराब हो जाता है। भगवान 56 भोग 56 को हर मंदिर में खा रहे हैं, हम नहीं सुनते कि भगवान बीमार हो गए। हम सोते हैं, सोने के बाद सब भूल जाते हैं, तामसिक गुण में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, पूर्ण रूप से अज्ञानी हो जाते हैं। भगवान की नींद वैसी नहीं है। इस जगत में पुरुष स्त्री साथ में आते हैं तो वासना जागृत होती है, लेकिन भगवान जब गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तो वैसी वासना जागृत नहीं होती। भगवान जो है 3 गुणों से हमेशा ऊपर रहते हैं, मुक्त रहते हैं। अच्छा, अब इस जगत में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ हटके कार्य करता है तो सडनली उसका सब जगह सोशल मीडिया में, कहीं जगह अखबार में, कहीं कहीं जगह पे उसके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा कि अरे फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया, फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया। कुछ गलत काम करेगा, पुलिस पकड़ लेगी। अगर पुलिस नहीं पकड़ती तो चलो कभी कभी हम पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन हमारा कर्मा हमारे सर पे मंडराता रहेगा। कुछ बुरा काम किया है, उसका फल कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। तो इस जगत में हम प्रभावित हो जाते हैं, भोजन से प्रभावित होते हैं, नींद से प्रभावित होते हैं, मैथुन से प्रभावित होते हैं, और इन सब से प्रभावित ना भी हो, इस जगत के नियम हमको बांध के रखते हैं। लेकिन भगवान जो है वो किसी नियम से नहीं बंधे हुए। कैसे? जैसे गाड़ी कहां पार्किंग करनी है उसका नियम है, लेकिन जो जगह का मालिक है वो गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकता है, उसके ऊपर नियम लागू नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं पुलिस ने गाड़ी कहीं भी खड़ी की होती है, पुलिस की गाड़ी है, अरे वो तो सब देखरेख कर रहे हैं तभी नियमों का, उनके ऊपर नियम उस प्रकार से लागू नहीं होते जिनके जितने एक साधारण व्यक्ति पे लागू होते। उसी प्रकार से भगवान पे कोई नियम लागू नहीं है, वो तो षड ऐश्वर्य पूर्ण पूरे जगत के स्वामी हैं, जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान सभी नियमों का पालन करते हैं, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, टू सेट एन एग्जाम्पल। इसलिए जब भगवान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, द्वारका में 16,000 पत्नियों से विवाह करते हैं, उन सभी विवाहों विवाहित जीवन में हर पत्नी के साथ जो पारिवारिक जीवन है अलग अलग महल में चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। सुबह उठ के कैसे गृहस्थ को ध्यान लगाना चाहिए वो भी दिखाते हैं। परफेक्ट ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, सुबह सुबह उठ के भगवान मेडिटेशन इत्यादि करके दर्शाते हैं कि एक गृहस्थ को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रॉपर एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण स्थापित करते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान नियम तोड़ते हैं अपने ऊपर, कुछ कारण है उसका। देखिए, हमने बताया भगवान ने द्वारका में रानियों से विवाह किया, वैवाहिक जीवन अच्छे से संपन्न किया, जिम्मेदारियां निभाई, तो हम देख रहे हैं सारे नियम पालन किए। लेकिन वृंदावन में अनेक गोपियों के साथ नृत्य किया जो उनकी पत्नियां नहीं थी, तो हम बोलेंगे अरे वो तो नियम तोड़ दिया। हम पहले ही बोल चुके हैं जो ओनर है, मालिक है, उसके ऊपर सब नियम लागू नहीं होते, भगवान नियम तोड़ते हैं। अब ये नियम क्यों तोड़ते हैं, कभी कभी ऐसा क्यों करते हैं जो एक साधारण मनुष्य को नहीं करना चाहिए, कभी कभी ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? पहला कारण वो नियम तोड़ने का है अपनी भगवत्ता को स्थापित करने के लिए, ये दर्शाने के लिए, देखो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। जैसे कि जब सेतु बना दिया तो अपने प्रभाव से समुद्र देव को ऐसा प्रभावित किया, और समुद्र देव को प्रभावित करके पूरा समुद्र पे तैरता हुआ सेतु बना दिया।
और रामायण में बहुत सारे अति मानवीय कार्य किए ये दर्शाने के लिए कि देखो ये अलग हैं, हम अलग हैं, दिखते साधारण मनुष्य हैं, साधारण नहीं हैं, भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं भगवान कभी कभी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी कभी भगवान नियम तोड़ते हैं। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं भगवान ने कुरुक्षेत्र में ये प्रण लिया था कभी कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं जिस समय अर्जुन का प्राण संकट में थे तो कृष्ण ने इस प्रकार से भीष्म देव पे प्रहार किया जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। वो सहन नहीं कर पाए कि उनके भक्त पे कोई संकट हो, लेकिन उससे भी ज्यादा भीष्म देव की इच्छा थी कि भगवान किसी प्रकार से ऐसे कुछ अस्त्र उठा के भीष्म देव पे प्रहार करें। भगवान को इस रूप में देखने की इच्छा थी भीष्म देव की। तो भगवान के दो भक्त हैं, एक अर्जुन है, एक भीष्म देव है। श्री कृष्ण दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया। प्रण क्या था? कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं भगवान के लिए सबसे बड़ा जो प्रण इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरे भक्तों की रक्षा होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ भगवान कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनकी हम नकल नहीं कर सकते। पूरा गिरिराज उठा लेते हैं, देख रहे हैं हम गोवर्धन उठा लिया, 7 साल के थे, उनको कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करना पड़ा जाके। ऐसा नहीं कि पूरा 6 महीना ट्रेनिंग लिया गोवर्धन लीला करने से पहले। गोवर्धन लीला में सीधा 7 साल के थे, संकट आया वृंदावन पे, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पूरे गिरिराज को धारण कर लिया। ऐसे हैं श्री कृष्ण, उनकी शक्तियों को हम ऐसा अनुकरण इमिटेशन नहीं कर सकते। शिवजी को देखते हैं हम, शिवजी पूरा का पूरा जहर निकल लेते हैं, पूरा का पूरा जहर खा लेते हैं। ना तो हम शिवजी का जहर निगलना, ना श्री कृष्ण का गोवर्धन लीला, उसका इमिटेशन नकल नहीं कर सकते। हम लोग उठा के जहर नहीं पी सकते। तो कभी भी किसी बड़े महान शक्ति की कार्य की नकल करने से पहले ये विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि उनके कुछ ऐसे भी कार्य हैं। पूर्णता में करो ना, अगर श्री कृष्ण की तरह रासलीला करनी है तो उससे पहले श्री कृष्ण की तरह गोवर्धन उठाइए जो श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में उठाया। तो पहले गिरिराज उठाइए, शिवजी की तरह जहर पीजिए। तो अगर किसी महान शक्ति की तरह रहन सहन करना है तो उनका पूर्णता से नकल कीजिए। तो जो छठा कारण हम दे रहे थे कि श्री कृष्ण भौतिक शक्तियों से प्रभावित नहीं होते, और ये हम देख रहे हैं वो सभी नियम पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भौतिक जगत के नियमों को साइड में रखते हुए भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अभी प्रश्न ये आएगा, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए रासलीला करने की क्या जरूरत है? ये लीला का क्या महत्व है बस भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए? क्योंकि पहले हमने आपको दिखा दिया कि यहां पे भक्तों की इच्छा पूर्ण करी, अर्जुन की रक्षा करी, भीष्म की इच्छा पूर्ण करी, यहां पे उनको सीता जी को लेने जाना था तो उन्होंने कुछ कार्य किया, अति मानवीय कार्य किया। अभी हम देखते हैं कि अभी कौन सी इच्छा थी। तो जब ही श्री रामचंद्र दंडकारण्य वन में, हम देखते हैं श्री रामचंद्र दंडकारण्य वन में जब ही सीता जी के साथ वनवास में थे, तो उस समय कहीं ऋषियों ने, कहीं साधुओं ने भगवान श्री रामचंद्र के सौंदर्य को देखा, और पूरे के पूरे वन के कहीं पशु पक्षी लताएं वृक्ष और साथ ही साथ ये ऋषि सब लोग भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए। और ये ऋषिगण ऐसे आकर्षित हो गए भगवान के सौंदर्य के प्रति, उनके हृदय में इच्छा हुई कि अगर हमें स्त्री का शरीर होता तो हम भगवान से विवाह ही कर लेते। तो जब उनके मन में ये इच्छा हुई, हमने आपको पहले ही बोला है भगवान हर इच्छा को पूर्ण करते हैं सही समय पे।
भगवान ने बोला जब भी वो श्री कृष्ण के रूप में आएंगे तो श्री कृष्ण में रूप के आने के समय, देखिए राम के रूप में तो वो उन्होंने मर्यादा धारण की है कि एक पत्नी व्रत, एक पत्नी से ही विवाह करा। जब श्री कृष्ण के रूप में आएंगे तो बोले वो जितने भी ऋषि हैं वो सब गोपियों के रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने उन सब गोपियों की इच्छा करी, जैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ या फिर एक जो माधुर्य रस का जो आनंद है उनके साथ नृत्य करके इस रासलीला के द्वारा उन सब ऋषियों को एक गोपी का रूप देके उनकी इच्छा पूर्ण करी। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए लीला करी है। हम शुरू से देख रहे हैं भगवान की उम्र केवल 8 साल की थी। भगवान आप्तकामी हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। अप्सरा आई थी, भगवान ने उर्वशी को ही प्रकट कर दिया। भगवान ने बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के भक्त अर्जुन बहुत आत्मसंयमी है। हमने चाय के उदाहरण से देखा कि भगवान का नाम जप करके हमारा हृदय साफ हो जाता है। वो नाम कैसे गंदा हो सकता है? भगवान के अंदर कैसे दूषित इच्छाएं हो सकती है? संभव ही नहीं है। फिर हमने सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य सबको शुद्ध करता है, सूर्य प्रभावित नहीं होता। भगवान खाते हैं, सोते हैं, परिवार बनाते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते। भगवान दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये लीला देख के हमें ये समझता है। आठवां पॉइंट क्या है? आठवां पॉइंट है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। चाहे वो कोई योगी हो, कोई संत हो, कोई बालक हो, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और भगवान हमारे हर विचार को, हर शब्द को, हर कार्य को देख रहे हैं। गीता में 13वें अध्याय में 23वें श्लोक में बोला है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपदृष्टा अनुमंता, जो भगवान विटनेस है, उपदृष्टा है, हमेशा देखते हैं आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, सब कुछ नोट करते हैं। और भगवान वेट कर रहे हैं। भगवान क्या वेट कर रहे हैं? भगवान वेट कर रहे हैं कि कब हम मुड़ के उनकी तरफ देखेंगे। तो देखिए आप, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष पे दो पक्षी हैं, और ये जो दो पक्षी हैं, एक पक्षी बहुत आतुर हो रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है, पूरे वृक्ष पे देख रहा है, अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के फूल हैं, और उनका रस आस्वादन करने में व्याकुल है। लेकिन दूसरा पक्षी जो है देख रहा है कि तुम जितना भी इस वृक्ष पे घूम ले, तुम्हें संपूर्ण आनंद नहीं मिलेगा, तुम कब मेरी तरफ मुड़ के देखेगा। तो आत्मा जो है परमात्मा की सेवा के लिए ही बनी है। जब तक वो कनेक्शन जागृत नहीं होगा, आत्मा व्याकुल रहेगी, पीड़ित रहेगी। लेकिन जैसे ही वो आत्मा परमात्मा की सेवा में पूर्ण तरह से लीन हो जाएगी, उसका वो स्वाभाविक जो उसका स्तर है वो जागृत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विल बी अवेकन्ड। तो यहां पे हम जो देख रहे हैं, ये गोपियों का नृत्य है। ये क्या है? अनेक प्रकार की जो आत्मा है, जो अनेक प्रकार के जीव हैं, वो भगवान की सेवा में तत्पर हैं, और वो दर्शा रहे हैं कि संपूर्ण आनंद कैसे मिलता है, जीव को संतुष्टि कैसे मिलती है जब वो पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में तत्पर हो जाए, रेडी हो जाए, सरेंडर हो जाए, शरणागत हो जाए। तो ये भी एक आठवां कारण है। ये रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण है। नौवें दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो एक होता है भौतिक शरीर, एक होता है आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर इस समय हमारा भौतिक शरीर से ढक गया है, आवरणात्मक शक्ति से ढक गया है, और भौतिक शरीर धारण करने की वजह से हमारे हृदय में कहीं वासनाएं हैं। क्योंकि भौतिक शरीर का प्रॉब्लम है कि वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, पेट को हमेशा भूख लगी रहती है, जीभ में हमेशा अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है।
मेटीरियल बॉडी फुल ऑफ डिजायर्स, लेकिन जो गोपियों ने नृत्य किया, भगवान और गोपियों दोनों का स्पिरिचुअल बॉडीज था, आध्यात्मिक शरीर था, भौतिक शरीर नहीं था। आध्यात्मिक शरीर एक आनंदमय शरीर है। ये हमारे शरीर जैसा अनेक प्रकार के भौतिक तत्वों से, जल, आकाश, अग्नि, इन सब से नहीं बना हुआ, स्पिरिचुअल बॉडी। और उसके बाद दसवां जो हम देखना चाहेंगे अंत में, भगवान की लीला में प्रवेश करते हुए, अभी हुआ क्या, गोपियों की ऐसी इच्छा पूर्ण करनी थी, नृत्य करना था उनके साथ, साथ ही साथ हम देखते हैं कि गोपियों का ये शरणागति, सरेंडर था भगवान के प्रति, समर्पण था, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। लेकिन भगवान को मालूम था कि इस दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे कि अरे हम नृत्य कर रहे हैं पराई महिलाओं के साथ। तो भगवान ने लीला का आयोजन ऐसा किया कि श्री कृष्ण का उन सब महिलाओं से विवाह हुआ। अभी वो कैसे हुआ, देखिए, एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण सभी मित्रों के साथ विराजमान थे, जैसा कि हम देख रहे हैं। जब ही सभी मित्रों के साथ विराजमान थे और श्री कृष्ण ने खेल की लीलाएं कर रहे थे, वहां ब्रह्मा जी आ गए। जैसे आप दूर देख रहे हैं आकाश में ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी देख रहे थे और सोच रहे थे, ये भगवान अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं, ये कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते, साधारण बालकों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो उस समय बोलते हैं ब्रह्मा जी ने, जब थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण दूर हो गए, तो ब्रह्मा जी ने सारे के सारे बछड़ों को और बालकों को वहां से चुरा लिया। वहां से चुरा लिया तो अभी कृष्ण समझ गए, कृष्ण तो परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित है, वो समझ गए ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, इसलिए इस लीला को बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी कृष्ण को देख के विमोहित हो गए, भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी ने चुरा लिया तो क्या किया, कृष्ण को कुछ तो जवाब देना था ना बाकी परिवारों को कि सब बच्चे कहां गए। तो श्री कृष्ण ने विस्तार किया और अपने ही रूप को विस्तार करके वैसे ही रूप धारण कर लिए जैसे वो बच्चे थे, जैसे वो सब बछड़े थे, बिल्कुल वैसा ही, हूबहू वैसा रूप, एक साल के लिए बिल्कुल वैसा रूप धारण किया, जब तक ब्रह्मा जी वो ओरिजिनल बच्चों को वापिस नहीं लेके आए। और क्योंकि वो जितने बच्चे थे वो दिखने में अलग थे लेकिन सब कृष्ण ही थे, तो व्रजवासियों का कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, यहां तक कि सभी व्रजवासियों का अपने बच्चों से अधिक प्रेम कृष्ण से था, क्योंकि कृष्ण तो परमात्मा है। ये लीला दर्शाती है कि हम जिस प्रेम के लिए तत्पर हैं वो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे के बच्चे से प्रेम करे, लेकिन पूरा व्रज कृष्ण से प्रेम करता था। लेकिन वो एक साल ऐसा बीता, उस एक साल में सारे के सारे व्रजवासी अपने बच्चों से अधिक प्रेम करने लगे, अपने बच्चों से अधिक प्रेम। और कृष्ण तो, बलराम जी भी सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव हो गया, क्योंकि वो बच्चे उनके बच्चे नहीं है, कृष्ण का ही रूप है। तो वो एक साल जब श्री कृष्ण अनेक बालक बन के अलग अलग घरों में रहे, तो उस समय उन सब बालकों का विवाह कर दिया गया। उन दिनों में ऐसा उम्र में विवाह कर दिया गया, तो एक्चुअली जो विवाह हुआ वो उन बालकों का नहीं हुआ, श्री कृष्ण का हुआ, हर गोपी से, वृंदावन की हर गोपी जो श्री कृष्ण के साथ रासलीला नृत्य में आनंद लेना चाहती थी, उन सबके साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो हम देखते हैं जो ये नृत्य हुआ श्री कृष्ण का, अपनी ही पत्नियों के साथ हुआ एक दृष्टिकोण से, ये भी एक दृष्टिकोण हो गया। तो देखते हैं उनमें सब विवाह हो गया गोप गोपियों का, और क्योंकि ये विवाह हो गया इसलिए कोई ये कह ही नहीं सकता कि श्री कृष्ण ने नृत्य किसी अन्य महिला के साथ किया है। और जब बाद में एक साल बाद ब्रह्मा जी वापिस आए, तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दर्शाया, अरे तुम ओरिजिनल बालकों को लेके चला गया तो क्या, ये जितने बालक दिख रहे हैं ये मेरा ही विस्तारित रूप है, सब के सब वही विष्णु रूप है।
ब्रह्मा जी ने खूब माफी मांगी, वहां पे बहुत गिड़गिड़ाए। और ऐसा ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण के बीच का ये बड़ा ही सुंदर मधुर लीला है, जो जिस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने विवाह करके सभी गोपियों की इच्छा पूरी कर दी। ऐसे हैं भगवान, एक काम से कहीं कहीं प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं, कहीं भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा, अभी अगला क्या आता है? तो हमने 10 कारण चर्चा की, अभी 11वें पे चर्चा करते हैं। हु इज द प्रोप्राइटर? भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वित। जो व्यक्ति ये जानता है, मैं ही हर वस्तु का स्रोत हूं, मैंने ही सबको बनाया है। जब किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को बनाया है, वो उसका प्रोप्राइटर हो गया। तो कोई अगर बोले कि भगवान अनेक महिलाओं के साथ नृत्य किए, अरे वो महिलाएं किसी के संरक्षण में हैं, तो वो व्यक्ति तो उन महिलाओं का केवल केयर टेकर है, असली मालिक तो भगवान है। चाहे पुरुष हो महिला हो, सबका असली स्वामी तो भगवान है, प्रोप्राइटर है, बाकी तो केयर टेकर है। अगर कोई माता पिता बोलते हैं ये बच्चे मेरे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे तो आपकी केयर में है, यू आर जस्ट द केयर टेकर, आप तो संरक्षक हैं, बस स्वामी तो भगवान है। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारी केयर में है, चाहे वो किसी के बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, कोई शिष्य हैं, कोई भी केयर में है, कोई स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन सब के असली स्वामी भगवान है। केयर टेकर का काम है उस वस्तु को या व्यक्ति को भगवान की सेवा में संलग्न होने देना, उसमें रुकावट नहीं बनना। तो कोई कह ही नहीं सकता भगवान पराये के साथ नृत्य कर रहे हैं, अरे भगवान तो शुद्ध लीला में अपने जीवों का समर्पण स्वीकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक अन्य जो पॉइंट आता है बड़ा सुंदर, देखिए अगर कहीं सत्संग में कोई बड़े सेलिब्रिटी, कोई फेमस व्यक्ति आ जाए, और अगर किसी को उस सेलिब्रिटी से बड़ा प्रेम है कि अरे कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी आए, कोई हॉलीवुड की सेलिब्रिटी आए, तो अरे हाँ ये आए, क्या बात है। एक कॉमन मैन के लिए उस सत्संग की महिमा बढ़ जाती है। एक कॉमन आदमी को भगवान में इतनी रुचि नहीं है, लेकिन उस सत्संग में कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो रुचि बढ़ जाती है। तो कभी कभी किसी स्थान की महात्म्य को बढ़ाने के लिए किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट किया जाता है, आइए आप आएंगे तो 1000 लोग आएंगे, किसी कारण किसी तरीके से तो भगवान के बारे में सुनेंगे, होपफुली आशा करते हैं। कैसे तो आपको देखने आएंगे, इसी बहाने कीर्तन सुन के जाएंगे। लेकिन अगर वो सेलिब्रिटी सच में सत्संग सुनने के लिए आए, कुछ कार्यक्रम देखने के लिए आए, उस कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। रासलीला में कौन सेलिब्रिटी आते हैं? सबसे पहले नारद मुनि। जितने भी महान भक्त हुए उनके गुरु हैं नारद मुनि। नारद मुनि सबसे बड़े भक्ति के शिक्षक हैं। लेकिन वो नारद मुनि तत्पर हैं मुझे श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने को मिल जाए, उसके लिए तपस्या करते हैं। और कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए उनको एक गोपी का रूप भी दिया जाता है। जब नारद मुनि गोवर्धन में कुसुम सरोवर में प्रवेश करते हैं, वहां से निकलते हैं, तो एक गोपी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद कुछ समय के लिए लेते हैं। तो ये रासलीला भगवान का भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसका आनंद लेने के लिए नारद मुनि तत्पर है। लक्ष्मी पूजा, कल के दिन कुछ लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, अलग अलग समय पे लक्ष्मी पूजा करते हैं। जिस लक्ष्मी के पीछे इस दुनिया के लोग इतने पागल हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, धन के लिए पागल हैं, वो लक्ष्मी जी किस चीज को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं? बोलते हैं वो वृंदावन में जाके लंबे समय तक तपस्या करती हैं कि उनको रासलीला में प्रवेश करने को मिल जाए। उनको भी आसानी से रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता, ऐसा प्रभाव है, ऐसी उत्तम भक्ति है रासलीला की, नॉट एवरीवन इज अलाउड।
तो जिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हम तत्पर हैं, वो किन के लिए तत्पर हैं? वो बोल रही हैं, इस जगत के लोग तो पागल हैं, लक्ष्मी के कृपा के लिए तत्पर हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि अगर किसी की सेवा करनी है तो भगवान की रासलीला की सेवा, उसको समझने की, उस प्रेम की पूजा करो, उपासना करो। और इस जगत में भगवान शिव की भक्ति भी बहुत करते हैं, लेकिन वो भगवान शिव स्वयं एक गोपी का रूप लेके रासलीला में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में एक सुंदर स्थान है मानसरोवर, उस मानसरोवर में स्नान करके शिवजी एक गोपी का रूप धारण करके रासलीला में प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण को प्रॉमिस करते हैं कि पूरे रासलीला के क्षेत्र की मैं रक्षा करूंगा और गोपेश्वर महादेव के रूप में पूरे रासलीला क्षेत्र की रक्षा करते हैं। गोपेश्वर महादेव की जय। हम सामने दर्शन कर रहे हैं गोपेश्वर महादेव के, जहां महादेव स्वयं एक गोपी बन गए। तो जिस रासलीला में प्रवेश करने के लिए श्री नारद मुनि, लक्ष्मी जी, शिव जी तत्पर हैं, जिस रासलीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, महाविरक्त लोग ये सब करते हैं, वो साधारण भक्ति नहीं है, भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है। और अंत में हमें देखना है कि ये रासलीला के बारे में श्रवण करके, केवल सुन के, रासलीला की महिमा को सुन के क्या प्रभाव होता है, इसका वर्णन दिया है। हम देखेंगे यहां पे श्लोक है बड़ा सुंदर, विक्रीडितं व्रजवधूभिर इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोति यचिरेन धीरः। बोले व्रज वधु भीर, जो ये व्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला कर रही हैं रासलीला, ये जो भक्ति का सर्वोत्तम आदान प्रदान है, भक्ति की सेवाएं हैं, अगर कोई श्रद्धा से, श्रद्धान्वितो अनुश्रृणुयात् सुनता है, वर्णयेद् वर्णन करता है, सुन के वर्णन करके क्या होता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा, परम भक्ति हृदय में जागृत होती है। हृद्रोगमाश्व पहिनोति अचिरेन धीर, और हृदय का जो सब रोग है, जो वासना का रोग है, भौतिक इच्छाओं का रोग है, कलह का रोग है, अनेक प्रकार का रोग जो हृदय को ग्रस्त किया गया है, अचिरेण बहुत ही जल्दी से वो नष्ट हो जाता है, ऐसी महिमा है रास लीला की। तो ये 13th पॉइंट है। और 14th पॉइंट हम बोलना चाहेंगे, ये रासलीला कोई मामूली रासलीला नहीं थी। जब ही गोपियों ने रासलीला की इच्छा रखी तो ये रासलीला श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक संपन्न की थी, और ब्रह्मा जी की एक रात्रि कहीं लाखों वर्षों की होती है, कहीं लाखों वर्षों की, 43,20,000 साल को अगर आप 1,000 से गुना करेंगे, उतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। उतने समय तक श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया था। अगर किसी को बोलो एक रात्रि, पूर्ण रात्रि नृत्य करो, तो ही वो नहीं कर पाएगा। यहां हम बात कर रहे हैं 43,00,000 गुना 1,000, इतने लाखों 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 करोड़ों सालों तक वो नृत्य चला था, ऐसा वो रासलीला का महत्व है। और उसके बाद भी गोपियों को लगा कि अरे ये तो कुछ क्षण में ही समाप्त हो गया, ऐसा भगवान की सौंदर्यता का और सानिध्य का प्रभाव है, इतना लंबा समय लेकिन भगवान के साथ जो बिताया गया वो कुछ क्षण का ही लगा, ऐसी तत्परता थी भगवान के साथ रहने की। सिर्फ हमें चाहिए क्या, हमें इसको श्रद्धा से श्रवण करना है, हमें नकल नहीं करनी है, हमें नाच के दांडिया करके वो रासलीला की नकल नहीं करनी है, हमें उस लीला को श्रद्धा से सुन के भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं को, अच्छा हर कोई भी उसको सुन नहीं सकता, जैसे कि
देखिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, हृदय रास लीला को सुनने के लिए। अरे नाचने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम डांडिया करने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ रास लीला सुनने की बात कर रहे हैं। वो सुनने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को अगर रबड़ी खिला दी जाए, अरे अभी उसने अन्न खाना भी शुरू नहीं किया, आप उसको एक कटोरी रबड़ी खिला दो, छोटा सा बच्चा है अभी, उसका मुश्किल से अन्नप्राशन भी नहीं हुआ है, रबड़ी खिला दो, क्या होगा? बीमार हो जाएगा व्यक्ति, उसकी डाइजेशन पावर नहीं है, पाचन शक्ति नहीं है उसकी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से, वासनाओं से प्रभावित है, जो व्यक्ति पुरुष स्त्री संबंध के बारे में सोचता रहता है, मैथुन इच्छा से ग्रस्त है, धन की इच्छा से ग्रस्त है, भौतिक लोभ से ग्रस्त है, द्वेष से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट अगर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुनाएंगे तो वो व्यक्ति का तो चेतना और दूषित हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान को अपने स्तर पे समझ बैठेगा और उनके नृत्य के आदान प्रदान के बारे में सुनेगा तो लगेगा अरे ये तो अपने जैसा ही है। जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी पाचन शक्ति स्ट्रांग ना होने के कारण ऐसा हैवी पदार्थ नहीं खिला सकते, पहले उसकी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो जाए, शरीर विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर खिला सकते हैं, ऐसे ही हमें भी पहले श्रद्धा से पूरे गुरु परंपरा का, आचार्यों का सेवा करना है, उनके द्वारा स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्राप्त करना है, और स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्राप्त करके जब उनकी सेवा करते हैं, उस सेवा से अपनी जो चेतना की पाचन शक्ति है, हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करके स्ट्रांग करते हैं, फिर कभी ना कभी श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएंगे। नहीं तो हम श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन के और भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं जो षड गोस्वामी हैं, जिनका वर्णन हमें हमने किया, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब गोस्वामियों ने अपने अपने गुरुओं की बहुत नम्रता से सेवा करी, बहुत ही नम्र विनम्र, बहुत ही छोटी छोटी सेवाएं करी, और ऐसा नहीं बोले कि हमें रासलीला सुनना है। परीक्षित महाराज ने भागवतम के पहले 10 स्कंदों को अच्छे से सुना, श्री कृष्ण सृष्टि कैसे करते हैं, ध्रुव महाराज के साथ क्या भक्ति का आदान प्रदान हुआ, अजामिल के बारे में सुना, प्रहलाद के बारे में सुना, गजेंद्र के बारे में सुना, समुद्र मंथन के बारे में सुना, प्रभु रामचंद्र की रामायण के बारे में सुना, मर्यादाओं के बारे में सुना, वैष्णव अपराध के बारे में सुना। इतना सब सुनने के बाद जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, उसके बाद वो दशम स्कंद में रासलीला को सुनते हैं। भाई परीक्षित महाराज का तो हृदय पहले से ही शुद्ध था, लेकिन हमारे लिए दर्शा रहे हैं। अच्छा, अभी परीक्षित महाराज को हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी को ये नहीं बोले मुझे सीधा कृष्ण की रासलीला सुनाओ, नहीं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हुए पूरा दशम स्कंद तक पहुंच गए, और फिर उसके बाद उन्होंने रासलीला के बारे में सुना, और 12वें स्कंद में आके फिर से फिलॉसफी सुना। प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि जब तक हृदय पूर्ण रूप से मैथुन आकर्षण से मुक्त ना हो जाए, सेक्स डिजायर से मुक्त ना हो जाए, व्यक्ति को पहले 2 स्कंद के आगे जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी एक जगह पे कहा गया है। तो बोलते हैं पहले 2 स्कंद के आगे ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें आचार्यों के तात्पर्य दिए गए हैं, बड़े सुंदर से टिप्पणी दी गई है, और जब आचार्यों के तात्पर्यों के द्वारा आचार्यों की सेवा करते हुए और आचार्यों के मुख से जब हम भागवत के 9 स्कंद सुनते हैं तो हमारा हृदय एलिजिबल हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ गुरु के आशीर्वाद से हमें ये समझ में आने लगता है कि ये ज्ञान क्या है।
तो इंडिपेंडेंट नहीं करना, परंपरा में करना है। इस प्रकार से हम शरद पूर्णिमा की इस लीला को समझ सकते हैं और अपने साक्षात्कार का विकास कर सकते हैं। गीता में लिखा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। गुरु के सामने प्रणिपात करते हुए, परिप्रश्न जिज्ञासा करते हुए और सेवा करते हुए ये सब ज्ञान धीरे धीरे प्रकाशित हृदय में हो जाएगा। और अगर हमें नहीं मालूम कैसे कब प्रकाशित होगा तो अपने अपने गुरु से आश्रय लेके उनसे पूछ के समझ जाएगा किस समय हम किस स्तर के लायक हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही हम आज ये शरद पूर्णिमा की कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। किसी ने प्रश्न पूछा है कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के तत्पर्यों का आश्रय लेके हम पढ़ सकते हैं, उनका उनके संरक्षा में हम पढ़ सकते हैं ऐसा। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय।